Hey friends, what's up and welcome back to my channel. So, Mahabaleshwar के पहले के तीन parts तो आप देख चुके हो. तो हो नहीं कि मेरा video है और मैं कोई मंदिर ना दिखाऊँ. So, मैं अभी शिव मंदिर के सामने हूँ और इस शिव मंदिर में आपको बताने वाला ये अतिबलेश्वर और महाबलेश्वर मंदिर है. इनकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. अतिबली और महाबली नाम के दो राक्षस थे. सो वो राक्षस ने बहुत उदम मचा के रखा था और सारे देव देवताओं को भगवानों को परेशानी हो रही थी इसके वजह से. सारे भगवान नीचे आए पृथ्वी पे और विष्णु जी ने अतिबल राक्षस को मारा और शिव जी ने महाबली इस राक्षस को मारा. तो जब राक्षस का वध हो रहा था तो उन्होंने एक ऐसी मांग रखी कि हमारा इस मंदिर का नाम हमारे नाम से ही रखा जाए. इसलिए इन मंदिरों को अतिबलेश्वर और महाबलेश्वर का मंदिर कहते हैं. और ऐसा कहा जाता है जब इन राक्षसों ने यहाँ पे पूरा हाहाकार मचा रखा था तब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया आदिशक्ति ये सारे देवी देवताओं ने मिलकर उनका सामना किया था. तो इसलिए इस जगह पे ये जगह बहुत पवित्र है और इस जगह पे त्रिगुणात्मक रूप से विष्णु जी अतिबलेश्वर के नाम से शिव जी महाबलेश्वर के नाम से और ब्रह्मा जी कोटेश्वर के नाम से यहाँ पे स्थित है. और ये मंदिर त्रिगुणात्मक मूर्ति त्रिगुणात्मक मंदिर के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है. और महाबलेश्वर जो मैंने आपको अभी तक पूरे वीडियो में दिखाया है उस महाबलेश्वर का नाम भी इसी मंदिर से पड़ा है.
5 नदियों का संगम है, कृष्णा, कोयना, वेन्ना, गायत्री और सरस्वती। ये 5 नदियों का संगम अभी आपने देखा, कितना खूबसूरत है और कितना पवित्र लग रहा है। इट इज़ अ वेरी डिवाइन एंड सेक्रेड फीलिंग बीइंग हियर। सो यहाँ पे 5 नदियाँ हैं जो एक साथ मिलती है। सो कृष्णा नदी है, उसके बाद कोयना नदी है, वेन्ना नदी है, गायत्री नदी है और सावित्री नदी है। तो इसीलिए इसे पंचगंगा मंदिर कहा जाता है। सो यहाँ से शुरू होके कृष्णा का ये उगम स्थान है। सो कृष्णा नदी यहाँ से शुरू होके वाई की तरफ जाती है और कोयना नदी यहाँ से शुरू होके पाटनकडे जाते आणि वेण्णा नदी माहुलीकडे जाते आणि गायत्री आणि सावित्री ह्या दोन नद्या आहेत त्या खाली महाडकडे जातात। सर 5 नद्यांचं हे उगम स्थान आहे आणि इकडच्या महाराजांनी इधर के जो पंडित हैं उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि यहाँ पे सरस्वती और भागीरथी ये दो गुप्त नदियाँ भी है जिनका प्रवाह अभी नहीं है, क्योंकि हर 10 साल में एक बार भागीरथी नदी का प्रवाह होता है और हर 33 ईयर्स में एक बार सरस्वती नदी का प्रवाह होता है। तो वो नदियाँ भी यहाँ पे जो दो गुप्त है। तो यहाँ पे 5 नदियों का उगम स्थान है। आगे कराड़ में कृष्णा कोयना का संगम स्थान है और एक। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पवित्र और डिवाइन लग रहा है। सो मंदिर के बाहर शॉपिंग करने के लिए भी बहुत कुछ है। मौसी नमस्कार। तो फ्रेंड्स, ये महाबलेश्वर मंदिर में मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ। सो मेरे को हैट बहुत पसंद आ गया है विलास के दुकान में का। और विलास ये कितनी लाए? 100 रुपये। इसी वीडियो में यूज़ करूँगा इसको, ठीक है। ये एक हैट दे। कौन सी गाड़ी है तुझी? एक्सेंट गाड़ी है और यहाँ से वो सारे टूरिस्ट को यहाँ पे महाबलेश्वर वगैरह घुमाने के लिए लेके आता है। सो राइट नाउ ही हैज ब्रॉट सम पीपल फ्रॉम कौन से देश से? हाँ, ही हैज ब्रॉट समबडी सम टूरिस्ट फ्रॉम हांगकांग टू विजिट महाबलेश्वर। सो इफ यू वॉन्ट टू कम टू महाबलेश्वर विच इज़ इन महाराष्ट्र इंडिया, आई हैव पुट हिज नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन हिज नंबर एंड ही विल टेक यू टू ऑल द प्लेसेस हियर इन महाबलेश्वर। नेशन ना यहाँ पे और एक मंदिर है, कमला जी माता मंदिर। फ्रेंड्स, ये अतिबलेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर और पंचगंगा मंदिर और ये सारे यहाँ पे जितने भी मंदिर है वो आपने देखे। आई होप आपको बहुत पसंद आए हो। तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा। आप कुछ आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर मंदिर में जाऊँ, विजिट करूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में उस मंदिर का नाम और एड्रेस लिखना, मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा। और प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जगहों पे मैं आपको हमेशा लेके जाता रहूँ। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटिफुल सीरीज। सो द महाबलेश्वर सीरीज एंड्स हियर। बाय बाय महाबलेश्वर, बाय बाय, मिलता हूँ जल्दी।